नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दुखद खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से आ रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सेना के जवान के शहीद होने की खबर से चारों तरफ शोक की लहर है। देश सेवा करते हुए ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान गजेंद्र सिंह नेगी शहीद हो गए हैं। जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास मंडल घाटी के सागर गाँव में पहुँचा। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। जवान के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चमोली के मंडल घाटी के सागर गांव निवासी गजेंद्र सिंह नेगी असम में सेना में तैनात थे। वह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, इस दौरान हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी। वही परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार को सेना के जवान पार्थिव शरीर को लेकर सागर गांव पहुंचे तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों और पत्नी समेत सबका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि शहीद गजेंद्र सिंह की उम्र 52 वर्ष है। उनके पिता दयाल सिंह नेगी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। शहीद गजेंद्र सिंह बेहद मिलनसार और हसमुख थे। उनकी बेटी दिल्ली एम्स में सेवारत है, जबकि बेटा पढ़ाई कर रहा है। करीब एक घंटे तक अंतिम दर्शनों के बाद पार्थिव शरीर का पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि शहीद गजेंद्र सिंह नेगी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।